अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आपने ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि कैसे ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ आपको हाथ में प्लेट में कोई भी डाल के नहीं देगा। कोई भी चीज़ आपको, कुछ भी चीज़ खोने के लिए कुछ ना कुछ पाना पड़ता है। ठीक है, कुछ चीज़ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे, उसके बाद ही आप अपने चैनल के ऊपर अपनी अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग पे अर्निंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट करके अर्निंग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आपने चॉइस करनी है कि आपका माइंड किस तरफ फोकस करता है ज़्यादा, तो आप कौन सी चीज़ ज़्यादा इजी लगती है। ठीक है, और वो आप कैसे उसको हैंडल और टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो लाजमी नहीं कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हो। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने के साथ साथ आपको उसके ऊपर हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, फिर ही आप उसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। तो कुछ भी, आपने डबल माइंडेड नहीं होना है। अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, ठीक है, तो आपका मेन जो है टारगेट वो एक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे कि लेट्स सपोज मैं अपनी मिसाल देता हूँ, तो मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया था 2 साल पहले। ठीक है, तो कोरोना के अराउंड अबाउट मैंने ये चैनल बनाया, तो मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। तो मैंने 1-2 माह उसके ऊपर एटलीस्ट कोई 8-10 वीडियो अपलोड की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसके ऊपर वर्किंग छोड़ दी। ठीक 7-8 माह बाद फिर मैंने फिर उसके ऊपर अगले साल 2021 में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की। ठीक है, तो उस वक़्त मुझे जो टारगेट अचीव करना थे वो ये थे कि कैसे आपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने फिर फेसबुक के ऊपर मैंने कुछ फ्रेंड्स ढूंढे कि वो मेरी वीडियोस देखें, मैं उनकी वीडियोस देखूं। इस तरह ढूंढते ढूंढते मैं एक मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो अभी भी मेरे पास काफ़ी ग्रुप्स हैं। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मैंने ग्रुप्स में काम करना शुरू किया, तो ग्रुप्स में आपको वॉच टाइम मिलता है, लेकिन उसके ऊपर ये होता है कि आपको वो रोज़, एटलीस्ट जिस ग्रुप में मैं काम कर रहा था वो ये था कि आपने मुख्तलिफ हर बंदे की जो है वो वीडियोस 1 घंटे की या 2 घंटे की वो हम देखते थे। ठीक है, मतलब रोज़ नहीं, एक एक वन पर्सन की, तो उसके अंदर 13 पीपल थे। 13 से मुराद ये है कि 6 दुनी 12, 6 डेज़ के बाद आपकी बारी आती थी। आस्ता आस्ता उसमें दोस्त ऐड और होते गए तो उतनी ही बारी लेट होती थी। ठीक है, मतलब आपको 8-10 दिन के बाद 20-25 घंटे मिल जाते हैं इजीली। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को चूज़ करना है। अगर आप अपनी वीडियोस जल्दी अपलोड करते रहते हैं 1 या 2 दिन के वक्फे के साथ साथ या रोज़, तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं कर सकते तो आप फिर कोई ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। ग्रुप्स के ऊपर ये है कि आपको वॉच टाइम मिलेगा, तो वो आस्ता आस्ता ग्रो होगा। ठीक है, तो मैंने दिन रात मेहनत की, मैंने इसी तरह फेसबुक के ऊपर फ्रेंड्स ढूंढे, सब्सक्राइबर मैंने 1 भी रुपया स्पेंड नहीं किया उसके ऊपर। ठीक है, सब्सक्राइबर मेरे सारे अपने हैं, जेनवन। ठीक है, जिन लोगों को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्होंने मेरे चैनल को किया हुआ है। तो उसके बाद जो मेरा मेन टारगेट था वो ये था कि कैसे वॉच टाइम कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर काम कर रहा था, मतलब रोज़ के 3 घंटे एटलीस्ट मैं लैपटॉप के ऊपर चला के वीडियोस छोड़ जाता था, कभी कभी पूरा पूरा दिन भी। कुछ ग्रुप्स ऐसे थे वो ये था कि उसके ऊपर काफ़ी मेंबर्स होते थे, लेकिन फिर मैं काफ़ी मुश्किल से गुज़रा इन सारी टेक्निक से। मैंने ग्रुप्स के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की, तो उसके अलावा मेरी अपनी कुछ वीडियोस वायरल हुई। ठीक है, जैसे कि अब आईफोन की नॉन पीटीए की जो वीडियोस थी मैंने वो ऐसी बनाई कि उसको बहुत सारे व्यूवर्स ने देखा, एटलीस्ट 30,000 लोगों ने
30,000 लोगों ने उसको वॉच किया। तो मैंने एक वीडियो नहीं बनाई, उसी टॉपिक को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वीडियो का मेन कंटेंट एक ही था, हर वीडियो को उसका डिफरेंट थंबनेल मैंने अलहदा से बनाया। तो और मुख्तलिफ डिफरेंट डिफरेंट तीनों वीडियोस को गाइड किया, लेकिन कंटेंट एक ही था। ठीक है, कंटेंट का मतलब ये था कि मकसद एक ही था कि कैसे आपने इसके अंदर सिम चलानी है। तो वो मेरी तीनों वीडियोस वायरल हुई, तो मुझे एटलीस्ट 2000 वॉच टाइम मिल चुका था। ठीक है, तो उसके बाद मेरा टारगेट था कि मैंने 2000 बाकी वॉच घंटे कैसे कम्प्लीट करने, तो वो मैंने पैसे दे के अचीव कर लिए। ठीक है, तो अब मैं YouTube के ऊपर हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ अभी भी। तो अभी मेरा YouTube की तरफ से, पॉलिसी की तरफ से मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है। तो अब ये है कि अब मेरा Google AdSense की तरफ से पिन अभी आना बाकी है। ठीक है, तो वो अब तब आएगी जब मैं उनकी पेमेंट थ्रेशहोल्ड्स की, जो जैसे YouTube की मोनेटाइजेशन की पॉलिसी है, उसको ऊपर पूरा उतरूँगा। तो इसी तरह आपको गूगल पिन भी वैसे ही आएगी जब आप उसकी पॉलिसी पेमेंट के मुताबिक पूरा उतरेंगे। एटलीस्ट जो मेरे मुताबिक आइडिया है वो यह है कि $10 जब कंप्लीट होते हैं फिर आपको गूगल एडसेंस पिन वेरीफाई करवाता है। ठीक है, अगर नहीं भी करवाता तो अगर वो आपको 10 या 15 दिन के अंदर पिन अगर नहीं भेजते आपको, आपने उसके ऊपर अप्लाई किया है, तो फिर आपने क्या करना है, उसको दोबारा से कैंसिल करके रिक्वेस्ट को दोबारा से न्यूज रिक्वेस्ट भेजनी है। तो इस तरह आप उनको 2-3 दफ़ा सेंड करें रिक्वेस्ट, अगर फिर भी नहीं वो एक्सेप्ट करते फिर आप उनको मैनुअल तरीके से ही फिर आप उसकी पिन मंगवा लें, वो इजीली आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी मेरी नहीं आई, मेरी तकरीबन आने वाली है वो भी। मेरी अभी अर्निंग $2 हो चुकी है माशाल्लाह, $10 भी अचीव मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद यह कि आपको गूगल आपको कैसे पे करता है, गूगल जब भी आपके पास $100 कंप्लीट हो जाते हैं आपकी वीडियो के ऊपर जो ऐड चलते हैं, ठीक है, तो $100 में से फिर $10 गूगल टैक्स की कटौती करता है, जो आपका विद होल्डिंग टैक्स है। ठीक है, उसके मुताबिक फिर उसके बाद आपको डिडक्शन करके $90 आपके अकाउंट में, जो आपने गूगल एडसेंस के साथ अपना बैंक अकाउंट या कोई भी अकाउंट लिंक किया होगा तो उसके अंदर आ जाया करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप अपने YouTube चैनल के ऊपर वर्क करें। बेहतर यह कि आप अपनी वीडियोस को अच्छा बनाएं, उसका कंटेंट अच्छा बनाएं, किसी को कॉपी पेस्ट मत करें। ठीक है, कॉपी अगर करना भी है तो उसको अपने तरीके से वीडियो बनाएं, ये नहीं कि आप उसी की वीडियोस को सेम कॉपी करके अपने चैनल पे अपलोड कर दें, फिर आपके ऊपर चैनल के ऊपर स्ट्राइक्स आ सकती हैं, तो फिर आपका चैनल ग्रो भी नहीं होगा। तो वो जब कंप्लेंस आएंगी, ठीक है, स्ट्राइक्स आएंगी, स्ट्राइक्स होती हैं 3 तरह की। एक होती है YouTube आप कॉपी राइट स्ट्राइक कहते हैं, कि अगर आपने किसी की वीडियोस को कॉपी किया है उससे कहते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक। ठीक है, उसके अलावा 3 स्ट्राइक्स और होती हैं, वो होती हैं यूट्यूब पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपने यूट्यूब की पॉलिसी को ब्रीच किया है तो वो 3 स्ट्राइक्स वो भी भेजता है आपको। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक यूट्यूब की पॉलिसी की स्ट्राइक्स हैं, अगर वो एक भी आ गई तो आपकी मोनेटाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपने यूट्यूब मोनेटाइजेशन के ऊपर स्ट्राइक्स आने से बचना है, और कॉपीराइट से ट्रैक आने से भी बचाना है अपने चैनल को। जब आप बचाएंगे तब ही आपका चैनल ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा। ठीक है, तो फिर आपको कोई मसला भी नहीं आएगा आपकी मोनेटाइजेशन के ऊपर, और आपका चैनल जल्दी जल्दी ग्रो करता चला जाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब सब्सक्राइबर और वॉच टाइम आप अपनी लगन के साथ ही कम्प्लीट कर सकते हैं। तो बेहतर यह कि आप अपनी चैनल के ऊपर हार्ड वर्क करें, जिस तरह मैं कर रहा हूँ अभी। तो बाकी का इंशाल्लाह मज़ीद में गाइड मैं आपको करूँगा, कि जैसे ही पिन आएगी वो भी मैं आपको तरीका बताऊँगा, और गूगल एडसेंस के ऊपर अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और उसके बाद कैसे पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी ये भी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मेरी
इंशाल्लाह वो भी मैं उसके अंदर कंप्लीट गेट कर दूंगा। तो ये होती है ऑनलाइन अर्निंग, ये थी मेरी यूट्यूब के ज़रिए से अर्निंग, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ये है कि आप पोस्टर लगाएं, लोगों को मोटिवेट करें। चैन नेटवर्क मार्केटिंग होती है, जस्ट मतलब आप किसी लोगों को मोटिवेट करके अपने तरफ लाना है, तो ये होती है चैन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं, तो मार्केटिंग कई तरह की हो सकती है। और उसके अलावा फ्रीलांसिंग है, सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग में आप घर बैठे बहुत इजीली अर्न कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग की तीन मेन वेबसाइट्स हैं, अपवर्क है, उसके अलावा फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, और उसके अलावा फाइवर वेबसाइट है। फाइबर और आप सबसे ज़्यादा जल्दी सबसे पहले फाइबर पे वर्क करें, ठीक है, वो इजी है। अगर उस पे नहीं वर्क करना तो अपवर्क के ऊपर करें फ्रीलांसिंग, ठीक है। उसके अलावा एक तीसरी मेन वेबसाइट है, वो है फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, मतलब मेरे पास कोई भी एक स्किल है, स्किल ऐसी के को मेरे पास भी है, दूसरे लोगों के पास भी है, तो वो मैंने ये मार्केटिंग होगी, ठीक है। मैंने ऑनलाइन उस अपनी शॉप घर बैठे लैपटॉप के ऊपर ही वर्क करना है या पीसी के ऊपर, तो आपने अपनी स्किल कैसे बेचनी है, ठीक है। स्किल कैसे बेच सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बेच सकते हैं। आपने अपनी कोई दुकान है, शॉप है, आपने कोई चीज़ डिस्प्ले की होगी तो कस्टमर वो चीज़ देख के ही आपकी दुकान के ऊपर आएगा। इसी तरह ऑनलाइन अर्निंग फ्रीलांसिंग के लिए आपको एक जिसे कहते हैं गिग, आपने फ्रीलांसिंग की वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपने गिग बनाने हैं, ठीक है। गिग आपने ऐसे बनाने हैं कि जो अट्रैक्ट करें, तो उसके अंदर कैटेगरी होती है कि डॉलर्स आपने कितने सेलेक्ट करने हैं। तीन कैटेगरी होती हैं कि आपने एक गिग गया बनाया, जस्ट मेरे पास ये स्किल है, टाइपिंग की स्किल है, ठीक है, जस्ट कोई भी एग्जांपल ले लें, वो स्किल आपने बेचनी है, ठीक है। तो आपने स्किल ऐसी चूज़ करनी है जो मोनोपोली की टाइप हो। मोनोपोली किसे कहते हैं, मोनोपोली का मतलब ये है कि आपने स्किल ऐसी चूज़ करनी है उसके अंदर आपको जल्दी अर्निंग और ज़्यादा अर्निंग होगी, ठीक है। वो ये है कि अगर आपके पास एक ऐसी स्किल है जो लोगों बहुत ज़्यादा कम लोगों के पास है, तो आपको ज़्यादा डॉलर आएंगे, आप जल्दी अर्निंग कर लेंगे जब तक लोगों ने वो स्किल सीखनी है, ठीक है। अगर आपके पास एक ऐसी स्किल है जिसके मुकाबले में कंपटीटर बहुत ज़्यादा मौजूद है मार्केटिंग में, जैसे आपने गिग बनाए वैसे ही लोगों ने बनाए हुए, तो फिर वो जो कस्टमर है वो ऑनलाइन वो आपसे काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपको वो हर एक गिग प्रोफाइल चेक करेगा फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाके, जिसका गिग अच्छा हुआ, अट्रैक्टिव हुआ, और उसके बाद वो देखेगा कि कौन सा मेरा है जो क्लाइंट है वो मुझे बहुत जल्दी और सस्ते में काम मेरा कंप्लीट करके देगा और मेरे पैसे भी बच जाएँ, टाइम भी बच जाए। तो आपने एक ऐसी गिग बनानी है जो जिसकी ना तीन कैटेगरी बना लेनी है, मतलब एक ऐसी गिग है आपने उसको बना लेना टाइपिंग की। मैं ये दो पेजेस आधे घंटे में टाइप कर सकता हूँ, पांच पेजेस मैं एटलीस्ट एक घंटे में टाइप कर सकता हूँ, सात पेजेस करवाने हैं तो उसके लिए मुझे एटलीस्ट डेढ़ या दो दिन का टाइम होगा, ठीक है। फिर इनके अंदर आपने कैटेगरी बनानी है, कैटेगरी इस तरह बनानी है, मैं दो पेजेस टाइप करूँगा तो उसके जो डॉलर हैं वो मैंने पाकिस्तानी रुपये हैं या जो डॉलर हैं वो आपने करेंसी वहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है कि मैं जी दो पेजेस टाइप करने के एक डॉलर लूँगा, ठीक है। दो से अगर फाइव पेजेस टाइप करने हैं तो वो मैंने एक घंटे में टाइप कर सकता हूँ, तो वो एक डॉलर था, तो अब मैं पाँच पेजेस दो डॉलर में टाइप कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके आपने अगर सात पेजेस टाइप करवाने हैं तो वो मुझे डेढ़ दिन में टाइम मुझे चाहिए, आप अपने क्लाइंट को कहेंगे, तो वो सात पेजेस आपने कितने डॉलर में करने हैं वो एटलीस्ट आप फाइव भी कर सकते हैं, सिक्स भी कर सकते हैं, और सेवन और टेन डॉलर तक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आपके
आपने इनके अंदर कैटेगरी चूज़ करनी है। फ्री लांसिंग एक ऐसी वेबसाइट्स है जिसके ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर आजकल लोग कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। वो इस तरह यह है कि अगर मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मुझे ऑनलाइन वो काम चाहिए, ठीक है। तो वो काम मैं कैसे करवा सकता हूँ कि मैं फ्री लांसिंग वेबसाइट पर जाऊँगा, मैं देखूँगा कि परचेजिंग मैंने करनी है स्किल, ठीक है। आपने अपनी सेलिंग स्किल डाली होगी वहाँ पे, तो मैं परचेजिंग चूज़ करूँगा। परचेजिंग में जाके पहले मैं ढूँढूँगा कि मुख्तलिफ क्लाइंट्स की प्रोफाइल आ रही होंगी मेन ऊपर, तो मैं देखूँगा कि कौन सा क्लाइंट है मेरा जो मेरा काम कम पैसों में, कम टाइम में और कम डॉलर पेमेंट में मुझे करके देगा, ठीक है। तो आपने इस तरह इनकी कैटेगरी को चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये होती है फ्री लांसिंग। फ्री लांसिंग में आप कुछ भी एवरीथिंग सेल कर सकते हैं अपनी, इसकी टाइपिंग होगी, मैं आपका सॉफ्टवेयर का जो फाइलें हैं उनकी टाइपिंग, या उनके अंदर फार्मूलाज लगा के उसको कंप्लीट करना, या मैं कुरान की जो पेजेस हैं अरबी उसको टाइप करना, और दुनिया का एवरीथिंग काम जो आप सोच सकते हैं अपने माइंड में, वो आप उसके ऊपर सेल स्किल डाल सकते हैं, ठीक है। तो स्किल आपकी एक ऐसी होनी चाहिए कि जो किसी और लोगों के पास भी ना हो, मतलब जो आपका क्लाइंट है वो ढूंढने आया आपकी प्रोफाइल के ऊपर, तो उसे बहुत ज़्यादा मुकाबले में, आपके मुकाबले में उसे बहुत ज़्यादा क्लाइंट मिले, ठीक है। तो जितने ज़्यादा क्लाइंट कम होंगे उसके ऑनलाइन, उतने ही जल्दी चांसेस आपको ऑर्डर के आने के हैं, ठीक है। तो जितने ऑर्डर आपको आए आते जाएंगे, तो उसके बाद मुख्तलिफ रिव्यूज़ आपके प्रोफाइल के ऊपर आएंगे कि इस क्लाइंट ने मेरा काम बहुत अच्छे से किया है और बहुत जल्दी किया है, और उसके बाद आपने रिव्यूज़ भी देने हैं उसके ऊपर कि मैं ये काम कंप्लीट करने के बाद आपकी जो, अगर आपको कोई मसला आ रहा है, मैंने कोई फाइल बना के दी है, अगर उसके अंदर कोई करेक्शन है या आप कुछ मज़ीद ऐड करवाना चाहते हैं, तो वो मैं फ्री में करके दूंगा, ठीक है। आपने ऐसी स्किल्स और नीचे जो है, ठीक है, गिग आपने एटलीस्ट कोई 3 4 5 7 एटलीस्ट आपने एक स्किल से रिलेटेड बनानी है, ठीक है। तो आपने जो भी एक प्रोफाइल बनानी है, तो उसके एक स्किल से रिलेटेड आपने एटलीस्ट 7 गिग आपने बनाने हैं, ठीक है, ताकि वो आपकी प्रोफाइल फिर हाई रैंकिंग में जाएगी, ठीक है। तो ये होती है फ्री लांसिंग। कंटेंट राइटिंग हो सकती है, ऐसे राइटिंग हो सकती है उसके अंदर ऑनलाइन स्किल के अंदर, और भी बहुत ज़्यादा एड पोस्टिंग, मीडिया, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, एनिमेशन हो सकती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो सकती हैं, मतलब दुनिया की जो भी चीज़ आपके माइंड में आप सोच सकते हैं वो उधर आपको मिलेगी, ठीक है। ये होती है फ्री लांसिंग। दुनिया में आप घर बैठ के कहीं से भी आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नेट की स्पीड, पीसी और एवरीथिंग आपको, मतलब आपने अगर किसी घर बैठ के ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये भी आपकी एक शॉप ही है, आप अपना लैपटॉप पीसी खोल के रखें, किसी वक्त भी आपको ऑर्डर आ सकता है। तो जैसे जैसे आपको ऑर्डर आते जाएंगे, अगर आपने 4 5 10 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए, फिर आपकी प्रोफाइल हाई रैंकिंग में जाती जाएगी, लोग आपको जल्दी ऑर्डर देंगे, क्योंकि ये रिव्यूज़ उनके रीड आउट करेंगे लोग कि इस क्लाइंट ने इसका काम बहुत अच्छे से किया है, और रिव्यू भी उसको करके बाद में एक्स्ट्रा फीचर भी दिए, ठीक है। तो ये होती है फ्री लांसिंग। तो बाकी मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग की जो है मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये था आज फ्री लांसिंग और यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड था, ठीक है। मज़ीद जो स्किल हैं वो आपको मैं आपको आने वाले लेक्चर में मज़ीद बता दूंगा। आपने ये चूज़ करना है, दुनिया में मुख्तलिफ स्किल्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज करें आजकल एनेबलर्स का भी आ रहा है, ठीक है, आप फिर अमेज़ोन के ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ख़रीद के उसी के ऊपर, अगर आप ख़रीद नहीं सकते, आप उसी क्लाइंट से ऑनलाइन ख़रीद के अपनी वेबसाइट्स पे डाल के
तो ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये आप ऑनलाइन ही उन्हें कहें कि हम आपकी चीज़ को सेल करेंगे तो आप हमें अपना डिस्काउंट वगैरह हमें दे सकते हैं, ठीक है। शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग, द्राज है, द्राज के ऊपर आप अपनी वेबसाइट सेलर बन सकते हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत ज़्यादा बेशुमार टेक्निक्स हैं ऑनलाइन अर्निंग की। तो मैंने सबसे पहले अभी जो मेरे जो मुझे शौक था वो मैंने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड शुरू की, स्टार्ट की। इसके बाद मैं आइंदा जब मैं इसमें ग्रो कर चुका हूँगा तो उसके बाद मैं आपको जो मैं नई बाद में टेक्निक यूज़ करूँगा उसका मैं आपको बाद में बता दूँगा। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि आपने जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी है आप उसी के ऊपर हार्ड वर्क करें। ये नहीं कि आप एक स्किल के ऊपर भी वर्क करें दूसरी स्किल के ऊपर भी वर्क करें तो इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो ना आप वन साइडेड भी ऊपर तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी मेरे चैनल के ऊपर मेहनत की इंशाल्लाह, तो माशाल्लाह मेरा चैनल 1 साल के अंदर अंदर मोनिटाइज हो चुका है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मज़ीद मैं इसके ऊपर मेहनत करूँगा, जब भी मेरा चैनल हाई रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगा मुझे अर्निंग आनी हो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट जो स्किल है उसके ऊपर मैं अपना फोकस करूँगा, ठीक है। तो इस तरह ऑनलाइन अर्निंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर यह कि आप एक एक स्किल चूज़ करें उसके ऊपर हार्ड वर्क करें। तो मेरा चैनल है मियाँ वकास IT चैनल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको और भी मज़ीद प्रोवाइड करूँगा और उनसे रिलेटेड जो वीडियोस हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको अपने चैनल के ऊपर प्रोवाइड करूँगा ताकि मेरे क्लाइंट्स जो हैं उनको कुछ भी सीखना ना पड़े बाहर से जाके, ठीक है। अगर आपको कोई कुछ भी आपको सीखना पड़ता है, ठीक है, आप बाहर जाके किसी से ट्यूशन लेते हैं वो आपसे पैसे लेता है, ठीक है। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप फ्री लर्न भी कर सकते हैं, उसके ऊपर अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा चैनल मियाँ वकास IT चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ को आप वॉच करते रहें, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। तो आज के लिए इतना ही, टॉपिक बेहतर है। खुदा हाफिज़।